तो मैंने इसको एचपी को कुछ इस तरीके से करवा दिया। अपना एचपी का लोगो देख रहे हो ना, और मैं सो बूम मेरे चीतो, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो अपना विशाल बूम। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि मेरी जो गोवा की ट्रिप थी उसमें काफी ज्यादा कमेंट आए थे कि भाई एक व्लॉग बनाओ जिसके अंदर आप पूरा समझाओ कि आपने वाटर स्पोर्ट्स कितने में करा, कहाँ से करा, होटल कहाँ पर लिए, घूमने की जगह जगह कौन सी वहाँ पर। तो घूमने की जगह जो होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जगह कौन सी आपको फर्स्ट नंबर पर घूमनी चाहिए, कौन सी लास्ट नंबर पर घूमनी चाहिए, तो पूरा एक शेड्यूल सा बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मेरे से हो सका तो। नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। और आप पता है किस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, बता देता हूँ। जो नए सब्सक्राइबर हो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनको तो पता ही होगा आप ये वीडियो देख रहे हो विशाल बूम पे। तो विशाल बूम को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे सब्सक्राइब का बटन होगा उसके साथ आएगी बेल आइकन, उसको भी दबा लेना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचे, लेकिन उसमें ऑल कर लेना, ठीक है। और जिन्होंने नहीं करा वो भी ऑल कर लेना। और अपने भाई को देखो, बताता हूँ कहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर जाके आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, ताकि जो भी मैं स्टोरीज डालूंगा, जैसे देखो ये, देखो ये स्टोरी डाल रखी है मैंने, ये देखो बड़बड़ा रहा हूँ ना थोड़ा सा मैं, ये देखो अशोक विहार का फ्लाईओवर की वीडियो है। तो इस तरीके की स्टोरी जो भी अपडेट होगी वो वहाँ पर रहते हैं, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और मेरे को अपना लैपटॉप में भी कुछ छोटा मोटा काम कराना है, लेमिनेशन वगैरह, तो वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जल्दी से जैकेट पहनता हूं और शूज पहनता हूं और स्कूटी में मिलता हूं। मेरे को जाना था भाई जनकपुरी, अभी जस्ट मैंने उत्तम नगर क्रॉस करा है। मैंने आपको वो वीडियो इसलिए दिखाई भाई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है और हॉरर की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती। तो अभी बात करते हैं भाई गोवा की बजट ट्रिप का। बजट ट्रिप करनी है तो भाई आप मतलब दो तरीके से जा सकते हो गोवा। पहली चीज़ है भाई आप भाई फ्लाइट जाओगे, दूसरी चीज़ है भाई आप भाई ट्रेन जाओगे। ट्रेन से जाओगे बजट में रहोगे, 1600 रुपये के अंदर अप डाउन हो जाएगा। भाई फ्लाइट जाओगे तो आपका खर्चा आएगा भाई 9000 रुपये के अंदर। अब बात आते हैं भाई आप होटल कहाँ पर ले और कौन सा ले। तो अगर होटल में मेरी राय लेना चाहते हो तो भाई मैं होटल में बोलूँगा कि आप ओयो को थोड़ा बुक करो, लेकिन पैसे वहाँ कैश जाके दो या बुक कर लो और जाके देख के पेमेंट करना, क्योंकि फोटो में कुछ और दिखता है ओयो में और वहाँ जाके देखोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। या तो किसी बंदे से फेस टू फेस बात करके, होटल के ओनर से बात करके जब होटल लो, वरना ओयो से बुक करो और जाके देख के लो। तो उसमें भी मतलब तीन चार चीज़ें आ जाती है कि एक तो होता है कि बाघा बीच के पास में लेना है, और दूसरी चीज़ आती है कि आपको स्विमिंग पूल भी चाहिए होटल के अंदर, और तीसरी चीज़ आ जाती है नॉर्मल चाहिए, हमें रहने वगैरह का चाहिए। जैसे हम लोग गए थे, हम तीन लड़के थे, आराम से मौज करनी थी, क्योंकि ज़्यादा होटल अच्छा लेके यार कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको रात को सिर्फ सोना ही है वहाँ पर आके, क्योंकि पूरे दिन तो आप यार वाटर स्पोर्ट्स पर रहोगे। अगर वहाँ पर आप होटल के अंदर रहने गए हो तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो होटल लोगे, हमारे वाला होटल भाई जो था कोई 1200 का लिया था किसी दिन हमने, किसी दिन 1300 का पड़ा था, इसी के आसपास पड़ा था। और अगर आप स्विमिंग पूल वाला होटल सोचते हो तो वो आपको पड़ेगा भाई तीन बंदों का 3500 रुपये के आसपास। और अगर आप बाघा बीच का व्यू लेना चाहते हो सामने से, किसी भी बीच का व्यू लेना चाहते हो सामने से, तो वो आपको पड़ेगा 2500 रुपये के आसपास, जिसके अंदर स्विमिंग पूल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है क्लियर होटल की। और अब तीसरी बात आती है कि भाई वहाँ पर घूमना कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ कैमरे पे। तो यहाँ तक कि जितनी बातचीत थी ओके रिपोर्ट हुई थी, वहाँ पर मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करी, बट उसमें विंड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए मैं वो वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये वीडियो में डलेगी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स घूमने और आपको पैकेज कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे 2500 रुपये से नीचे कोई स्कूबा वगैरह जो जेट राइड होती है नहीं बताएगा, बट आपका भाई आपको बताएगा। तो अगर आप बाघा बीच या कलंगड़ बीच के आसपास रुके हुए तो आपको जाना पड़ेगा मैकडी, वहाँ पर पहले खाना पड़ेगा एक बर्गर अपने विशाल भाई के नाम का, कि विशाल भाई ने बोला तो बर्गर पहले खाएंगे, भले ही 35 वाला खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बर्गर खाना, मजाक कर रहा हूं। तो जैसे मैकडी के सामने जाओगे तो मैकडी से तीन दुकान छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक छोटी सी दुकान मिलेगी, उसमें हितेश नाम का लड़का बैठा होगा, ट्रैवल एजेंसी है बेसिकली। तो वहां पर जाके पहले उससे आप पूछोगे कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है, तो पहले वो आपको बताएगा स्कूबा के 2200 रुपये, लेकिन अगर आप कंसेशन करवाओगे तो आपको कम करके 1700 से 1600 रुपये में आ जाएगा। अगर आप दूध सागर का पूछोगे तो वो आपको बताएगा 1800 रुपये, तो वो आपको कम करवा के आना है 1400 रुपये में, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिलेगा, और अप एंड डाउन मतलब लेके भी जाएगा वापस भी छोड़ के जाएगा। और उसके अंदर अगर आप दूध सागर जाओगे तो दूध सागर के अंदर आपको ओल्ड चर्च भी घुमाएगा, और स्कूबा वाले के अंदर आपको महाराष्ट्र लेके जाता है मालवाना बीच पे, जो भी है वो आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल के दे दूंगा क्योंकि मेरे को इतना अच्छी तरह याद नहीं है। तो ये सारा है भाई वाटर स्पोर्ट्स का, और जितना आपको घूमना है वो आपकी मर्जी है। बाकी एक लिस्ट मैंने नीचे बना दी है, जाके देखो कि कौन कौन सी वहाँ पर घूमने की जगह है। तो इसके बाद अब मैं गया था भाई लेमिनेशन करवाने के लिए, जो मैं आपको लैपटॉप का काम बता रहा था वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अभी आ गया हूँ, और इन भाई के पास लैपटॉप का काम
करवा रहा हूँ और अभी देखते हैं कैसा काम होता है, उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। देखो एक तो ऊपर पहले मैं सोच रहा हूँ रेड कलर का लिख करवा के और यहाँ पर चीता लिखवाऊंगा और इसके अंदर भी मैंने एक सोचा है प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरा कीबोर्ड है ना कीबोर्ड पे भी आपने देखा होगा अगर वीडियोस देखते होगे रेगुलर तो उसमें स्क्रैच आ रखा है तो वो भी चीज़ मिट जाएगी। तो अभी यहाँ पर अपना काम होना चालू हो गया है, जैसा होगा बताऊंगा। अगर आप जनकपुरी के आसपास रहते हो और आपको लेमिनेशन करवानी है और अगर क्वालिटी अच्छी लगती है तो अभी तुम्हारा भाई बताएगा, उसके बाद दोबारा गोवा की जितनी भी डिटेल होगी वो देता हूँ। पर अभी जो अपना फ्रंट का जो लैपटॉप का धना वो तो पूरा रेडी हो गया है, बनवाने में एप्पल का लोगो टाइप आया था बट जो भैया ने बताया ना कि यहाँ पर एप्पल का लोगो लगाओगे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, तो मैंने इसको एचपी को कुछ इस तरीके से करवा दिया। अपना एचपी का लोगो देख रहे होगे ना, वरना ये पूरा ढक जाता है, लेकिन कटिंग जो हुई है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हुई है। अब जो इसके अंदर का ये कीबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का करवा रहा हूँ, ये हो जाए लैपटॉप अपना नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने वाला, मतलब एडिटिंग तो पहुँच रही है लैपटॉप भी नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, ये हो जाते हैं। इसके बाद चलेंगे भाई व्लॉग सिंह के घर पे। तो अभी आ गया हूँ भाई व्लॉग सिंह के घर पे, जैसे कि ये देख रहे हो ना उसके पीछे जो बैठा हूँ वो अभी घर पे नहीं है बट अभी मैं आ चुका हूँ, उसको थोड़ा डाटा देना था, डाटा तो डाल दिया मैंने खुद ही। और जो हमारी एक हॉन्टेड वीडियो थी वो देख लो इसकी शक्ल कैसी लग रही है, मतलब रोने वाला है बिल्कुल, अब इसका सीन कुछ ऐसा हो गया है। और ये इसका छोटा भाई, ये चला के दिखा रहा है क्या, ये देखो ये थोड़ा सा ट्रेलर मतलब टीजर दिखा दे, टीजर दिखा दीजिए कर, सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा ये टीजर ही है, पिक्चर वाकई देख रहे हो तो इतना ही दिखाएंगे और बाकी पूरा देखना होगा तो व्लॉग सिंह के चैनल पे जाके आप देखना। मेरी वीडियो तो शायद आप देख चुके होंगे या अगली वीडियो आएगी वो आएगी, उसके बाद आप घर चलते हैं, घर पे बात करते हैं। कैमरा किसने लगा दिया यहाँ पर, तो कोई नहीं लगा हुआ तो बात कर लेते हैं। तो अभी आ गया हूँ भाई अपने घर पे और क्या क्या काम करवाया है, क्या क्या सब कुछ हुआ है वो बता देता हूँ। एक तो ये अपने लिए बैटरी ली है लैपटॉप के लिए, क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, मतलब 15 मिनट चलती थी उसके बाद ठुस हो जाती थी। दूसरा काम क्या करवाया है, लैपटॉप देखिए इतना लेमिनेशन कैसी है, टन टन, तो लेमिनेशन ये करवाई है भाई। यहाँ पर हैशटैग चीता, अपने चीतों की आर्मी छपवा रखे है यहाँ पर। और लैपटॉप अपना कुछ इस तरीके का हो गया है, अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि वाइट जैसे टाइल होती है ना उस तरीके से करवाया है, तो अंदर से देख लो तो अंदर से कुछ इस तरीके करवाया है। और अपनी एडिटिंग तो जैसे जानते ही हो अब अडोब प्रीमियर पे करने लग गया हूँ तो वो भी बढ़िया हो गई है। तो ये तो हो गई भाई अपनी लैपटॉप और बैटरी की बातें, दोबारा रहते हैं गोवा के ऊपर ही, मतलब गोवा कैसे जाना है, गोवा तो भाई ट्रेन ही जाओ मेरी जो बराए मानोगे, ट्रेन से आप उतरोगे तो थ्री व्रीम उतरोगे उसके बाद आपको चाहिए भाई कोई कैब वगैरह चाहिए जिससे आप बागा बीच पहुंच पाओ। मैं तो बागा बीच पे रुका था तो बागा बीच के लेते भाई 600 रुपये तीन बंदे के लिए, एक बंदा जाओगे तो जब भी आपसे 300-400 ले लेंगे यार, पेट्रोल उनका उतना ही लगता है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है तो इसलिए लेते हैं, और रेट बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, एक रुपया भी कम नहीं करेंगे। तो कंसेशन करा सकते हो तो करवा लेना, बाकी मेरी तरफ से जो है कि यार नहीं करते, आप करवा लोगे तो आपके पैसे और बच जाएंगे। उसके बाद आप पहुंचोगे होटल, होटल के बाद आप घूमने की सोचोगे, घूमने के लिए चाहिए आपको स्कूटी, स्कूटी आपको मिलेगी सीजन के अंदर नवंबर दिसंबर जनवरी ये होते हैं भाई सीजन, इसमें आपको मिलेगी भाई 400 रुपए के अंदर जिसमें पेट्रोल आपको खुद भरवाना पड़ेगा। ऑफ सीजन जाओगे जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर वो आपको मिलेगी भाई 250 रुपए के अंदर, उसमें भी पेट्रोल आपको खुद भरवाना पड़ेगा। और पेट्रोल वहां पर अगर आप ब्लैक में लेते हो तो वो आपको मिलेगा करीबन मेरे हिसाब से 90 से 100 रुपए एक बार हमने लिया था, और अगर पेट्रोल पंप से भरवाओगे तो वही जो रेट होता है पेट्रोल का वही रेट आपको मिलने वाला है। और अगर आप होटल लेते हो बागा बीच पे, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप जोखिम करके ये देखो ओयो की आईडी आ रही होगी, ये होटल बिल्कुल भी मत लेना, सबसे गंदा होटल है, इसकी मैंने रेटिंग भी बकवास दी थी, ये बंदा ना इतना चिड़चिड़ा बंदा है, मतलब ना वाईफाई देगा, पैसे इसको पूरे चाहिए हैं, तो फैसिलिटी बिल्कुल बेकार है, तो इससे बिल्कुल मत लेना, और कोई सर्च कर लेना फेस टू फेस बात करना। तो यही सारी गोवा के कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहता था, तो इतना ही है कुछ, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, यूजर हैंडल ये देख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद आप देखना क्या मजे होंगे आपके, मतलब क्या ही कहने, मैं जो जिंदगी जीता हूँ वो आप देखोगे, सोचो आप खुद सोचोगे ये क्या जीता है, मतलब इतनी बकवास जिंदगी कौन जी सकता है, मजाक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और स्टे ट्यून रहना यार, सपोर्ट करते रहो, मिलता हूँ और बूम।